27 घंटे, जी हाँ 27 घंटे से एक स्कूल के अंदर बच्चे फंसे हुए हैं। बच्चे 42 बच्चे हैं और 8 स्टाफ के लोग, आप अंदाज़ा लगाइए अगर 27 घंटे से किसी जगह पर बच्चे फंसे हो तो क्या स्थिति होगी। तस्वीर देखिए कि ये जो तस्वीर है ये आपको बहती हुई नदी नज़र आ रही है, नदी के दूसरी तरफ का गांव है ये, यहाँ ये मासी नदी है, मासी नदी का तेज़ बहाव है उसकी वजह से कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए दूसरे गांव से, यानी जिस साइड हम खड़े हैं उस साइड के बच्चे हैं, क्योंकि कई गांवों के बच्चे हैं यहाँ पर जो बच्चे फंसे हुए हैं। सामने मंदिर नज़र आ रहा है, उसके आगे स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसके अंदर बच्चे कल से फंसे हुए हैं। सामने एक तरफ देखिए कि गाँव वाले हाथ हिला रहे हैं, यानी कि वो इधर नहीं आ सकते, ये इधर नहीं जा सकते। अब उन बच्चों को रेस्क्यू कैसे किया जाए, आप देखिए कि 27 घंटे से बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ पर मौके पर नहीं, SDM नहीं, कलेक्टर नहीं, SDRF नहीं, NDRF नहीं। आखिर देखिए कि राजस्थान में हो कैसे रहा, एडमिनिस्ट्रेशन चल कैसे रहा कि बच्चे इतने वक्त से यहाँ पर फंसे हुए हैं, पूछने वाला कोई नहीं है कि बच्चों की स्थिति क्या होगी, मनोदशा क्या होगी। पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए पहले नदी का बहाव दिखाते हैं, एक डैम पीछे टूट गया, इसके लिए पानी लगातार बढ़ता जा रहा, पानी कम नहीं हो रहा, नदी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा। आप देखिए कि पीछे से जो अजमेर से नदी आती है, बीच में दो डैम है, दोनों डैम इसके आगे तकरीबन 10 किलोमीटर के आगे वो दोनों डैम टूट चुके हैं, इस वजह से नदी का बहाव लगातार, हम खड़े हैं अगर हम पीछे जाएंगे तो वहाँ पर हमारे कंधे जितना पानी होता है और पानी का बहाव इतना तेज है कि आसानी से नहीं निकला जा सकता, यानी कि NDRF और SDRF ही निकाल सकती है बच्चों को रेस्क्यू करना, और जितनी देरी करेंगे उतनी मुश्किल होती जाएगी। पेरेंट्स हमारे साथ हैं, किसके बच्चे आपका, आपका कौन है यहाँ पर बच्चा? मेरी बच्ची है राधिका बुआड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th क्लास में। कितनी बजे से फंसी हुई है? कल सुबह 7 बजे से स्कूल गई हुई है। 7 बजे से कल स्कूल क्यों बुलाया? पानी बारिश आ रही थी उस वक्त? बारिश आ रही थी, थोड़ी बहुत पानी था, थोड़ा पानी था थोड़ा बहुत, फिर भी बुला लिया स्कूल? स्कूल बुलाया था, फोन आया था मैडम का, भेजो ज्यादा नहीं है, ट्रैक्टर में ले गए 15 अगस्त मनाने के लिए, ट्रैक्टर में बैठा के ले गए, फिर पानी ज्यादा हो गया, बैठा के लेके गए, फिर पानी ज्यादा बढ़ गया, पानी ज्यादा बढ़ गया, फिर उसके फिर आपने कोशिश की उनको कि कैसे निकले? नहीं कुछ, हमने तो कोई कोशिश नहीं की, ज्यादा पानी बढ़ गया हमने मना कर दिया, भाई आप कोई कोशिश मत करना यहाँ लाने की, क्योंकि 100 ग्राम ट्रैक्टर बह गया। कोई सरकार की ओर से कोई किसी तरीके निकाले? अभी तक कुछ चिंता है आपको? चिंता है, पूरी रात नींद नहीं आई सर, काफी बच्चे को अगर बुखार हो जाती है उसमें कितनी दिक्कत होती है, आप बताएं। पूरी रात आपके कौन है? हमारी पोते हैं। क्या नाम क्या आपका? चतुर्भुज जी। आपकी पोती है? पोती है, एक है? दो है। दो है, क्या नाम है उनका? उनका निशा है, एक तनु है, तनिशा। कितने कितने साल की है दोनों? दोनों एक तो 7वीं पढ़े से और एक 8वीं पढ़े से। तो क्या स्थिति में उनकी तबीयत? अभी ठीक है? तनु की तबीयत खराब है। तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब है, जब तो मेरे परेशानी है, रही तीन दिन का क्यों आती है, मैं तो रात को गवर्नमेंट की मैं तो कोशिश करवा रही हूँ थी, न तो कोई आर देखे कौन का आ रही है, एक घंटा में आ रहे थे, एक दो घंटा में आ रहे थे, कोई कौन आए थे, कोई ना आयो, एक मीडिया वाला आया था और कौन आया? कल से प्रशासन से कोई नहीं आया? तो कोई नहीं आया यहाँ पे, पर यहाँ पर तो सरकार की ओर से कहा जा रहा है SDRF की टीम है उनके पास में, NDRF नहीं तो कट से टीम आ रही है, बता दो ना जी, काल में 7 बजे से देख रही हूँ, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कौन आया था? बच्चियों की तबीयत खराब हो रही है, खराब है, तनु की माथा में बुखार चढ़े चुके। तो आपने टीचर को बोला नहीं कि भाई बच्चों को? यहाँ तो टीचर का गाँव वाले, नया का गाँव वाले मदद कर रहे हैं, खाने की पूरी व्यवस्था कर मिले थे, खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, टीचर भी बढ़िया से। सरकार की ओर से क्या है? सरकार की ओर से कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है सर, टीचरों की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, नो सर। सरपंच तक फोन नहीं। और किसके बच्चे हैं? आपके हैं? आपके 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 कौन है? आर्यन है मेरा बच्चा। क्या नाम आपका? आर्यन, मेरा मुकेश है। आर्यन आपका बेटा कितने साल का है? वो 12-13 साल का है, 12 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? वो 10वीं पढ़ता है। 10वीं पढ़ता, वो भी फंसा हुआ है? वो भी फंसा हुआ। बात हुई बच्चे से? हाँ बच्चे से बात हुई थी। कैसे हैं? तबीयत ठीक है उसकी? ठीक है, और भी हमारे भतीजे हैं, लेकिन डर है, मन में डर है कि कैसे होगा। हमारी भतीजी भी है। अरे क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए? निकाला तो जाएगा। कितने बच्चे होंगे अंदर? 42 बच्चे हैं। 42 बच्चे हैं हमारे गांव मोड़ी के हैं, ज्यादा 32 बच्चे हैं। दो कितने गांव के बच्चे हैं? दो गांव के बच्चे हैं। दो गांव के हैं, मोड़ी के, दुवालिया मंडप, मंडप के लांगीडाणी और ऐसे मेले नहीं, यहाँ तो मोड़ी के, दुवालिया का। अच्छा जी सर, मैंने सरपंच साहब को भी कॉल किया था, SDM साहब। आपका क्या नाम है? जय नारायण चौधरी है सर। आपका भी बच्चे हैं फंसे हुए? नो सर, मैं समाज सेवक हूँ। क्या हुआ? मैंने सरपंच साहब को, SDM साहब को कॉल किया था, उनका फोन अब बंद बता रहा है, 24 घंटे हो गए फोन किए हुए, अभी तक कोई आके कोई प्रशासन ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, और कोई भी नहीं आया अभी तक। नो सर। तो ये अगर पानी है ऐसा लग रहा है, बढ़ रहा है ये पानी जी, तो अब ये जितनी देर करेंगे उतना ही रेस्क्यू में मुश्किल आएगी जी।
मुश्किल है सर। जल्दी निकाल दे, पहले पानी कम था थोड़ा है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत कम था, कल शाम को ज्यादा आ गया था, फिर थोड़ा बहुत उगर, अब जो पानी आ रहा ना पीछे से तालाब टूट गए, तो पानी की बढ़ोतरी हो रही है सर। क्या आप पीछे कुछ दो डैम है बता रहे हैं वो टूट गए? हाँ जी। कौन कौन से? जो एक तो चोरू का है, राम सागर डैम टूट गया, और एक जो मांदी के पास में है वो टूट गया सर। इससे पानी का बहाव बढ़ रहा है? जी सर। तो आप देखिए कि पानी का बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर तस्वीर आपको बताते हैं कि ये सामने जो ये आप देखिए कि ये जो गांव है, इस गांव का क्या नाम क्या है? समेलिया। समेलिया, देखिए समेलिया गांव, ये सामने समेलिया गांव है। समेलिया गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर कल स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बच्चे गए थे। तकरीबन 7 से 8 गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 3 गाँव के बच्चे हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं पानी के अंदर। 42 बच्चे हैं, स्टाफ वहाँ पर है, गाँव वाले मदद कर रहे हैं, खाने के लिए भी बच्चों को दिया गया है, लेकिन उनको रेस्क्यू कैसा किया जाए, निकाला कैसे जाए, इसकी कोई प्लानिंग, कोई तैयारी सरकार की ओर से नहीं है, कोई टीम नहीं भेजी गई। इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात हो रखे हैं। और ये पानी का बहाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, रेस्क्यू करना और मुश्किल हो जाएगा। यानी जितनी जल्दी SDRF की टीम यहाँ आती है और ज़रूरत पड़ने पर NDRF बुलाई जा सकती है, तो इन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सकता है। परिजनों पर क्या स्थिति होगी कि जब उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अंदर फंसे हुए हैं, इंतज़ार किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि राजस्थान सरकार इसको गंभीरता से ले और बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाले, जिससे परिजन जो परेशान हो रहे हैं उनको राहत मिले। कैमरा मैन मनीष के साथ भवानी सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।